तो भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ने का पांचवा हथियार भी मिल गया है। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को सरकार ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। इसकी जानकारी खुद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके दी है। और इसके पहले सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, रूस की स्पुतनिक वी की वैक्सीन पहले से ही लोगों को लगाई जा रही है, जबकि मॉडर्ना की वैक्सीन के आयात की भी मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा देश में अब तक 50 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। ये बात भी हालांकि याद रखना बहुत जरूरी है कि मास्क आज भी कोरोना से बचाव के लिए बहुत जरूरी है। तो भले ही आपने वैक्सीन की दो डोज ले ली हो, लेकिन उसके बावजूद आपको जरूर इस बात का ध्यान रखना है कि मास्क का इस्तेमाल आप करते रहें। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने भी ट्वीट किया है और ये जानकारी दी गई है कि जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन है उसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी गई है। तो कुल मिलाकर आप पांच अलग अलग वैक्सीन हैं, आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने विकल्प हैं, आप किसी भी वैक्सीन का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि हर वैक्सीन को बताया जा रहा है कि बहुत ही कारगर है और रिसर्च स्टडीज भी लगातार चल रही हैं, और वो जो रिसर्च स्टडीज हैं उसके क्या नतीजे निकले हैं वो भी हम लगातार वो जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर ही रहे हैं। और मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया है कि भारत में वैक्सीन बास्केट का विस्तार, जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वाली कोविड 19 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई है। अब भारत के पास पांच EUA टीके हैं, ये कोविड 19 के खिलाफ हमारे देश की सामूहिक लड़ाई को और बढ़ावा देंगे। तो पांच हथियार कोरोना के खिलाफ, पांच वैक्सीन हैं जिनका इस्तेमाल अब किया जा सकता है, और जो लड़ाई हमारी चल रही है कोरोना के खिलाफ उसको अब और ज्यादा मजबूती मिल जाएगी। तो कोरोना के खिलाफ ये एक और वैक्सीन जिसका इस्तेमाल अब किया जा सकता है, जॉनसन एंड जॉनसन को मंजूरी मिल गई है, अभी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। अमेरिका की कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। देश में वैक्सीनेशन प्रक्रिया और ज्यादा तेज होगी। देश में 50 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज लग चुकी है। तो देश में किस किस वैक्सीन को मंजूरी मिली है ये आप इस चार्ट में समझ सकते हैं। जो सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड है जनवरी 2021 में आ गई थी, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वो भी जनवरी 2021 में, उसके बाद स्पुतनिक वी आई और इसका इस्तेमाल अप्रैल 2021 में शुरू हुआ, मॉडर्ना जो कि जून 2021 में इसकी शुरुआत हुई, और अब जॉनसन एंड जॉनसन जिसको मंजूरी मिल गई है अगस्त 2021 में। तो 8 महीने में ही हम देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा वैक्सीन अब आ चुकी है और आप किसी भी वैक्सीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे इस खबर पर और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, अभी तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और अब ये नई वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन, कितनी ज्यादा ये कारगर है, कितनी इफेक्टिव है, इसको लेकर जो रिसर्च स्टडीज है, क्या जानकारी इस वैक्सीन को लेकर? जी मीमांसा, देखिए जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन आएगी जेंसन के नाम से भारत में उपलब्ध होगी और अभी इसके मार्केट में आने में कुछ दिनों का वक्त लगेगा। ऐसा माना जा सकता है कि सितंबर महीने तक ये वैक्सीन बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। इसके अध्ययन के जो नतीजे बताए जा रहे हैं कि तकरीबन 66% ये कारगर है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, और गंभीर अवस्था में यदि मरीज है, कोरोना पीड़ित है, तो ऐसी स्थिति में 86% तक कारगर है। तो वैक्सीन ये पांचवी वैक्सीन होगी जो भारत में अब उपलब्ध होगी, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी एक ही डोज का इस्तेमाल करने से जो एंटीबॉडी है वो तकरीबन 4 सप्ताह में 28 दिनों में एंटीबॉडी बन जाएगी, और इससे कोरोना के बचाव में एक बड़ा संरक्षण मिलेगा। यही जा रहा है कि ये बेहद महत्वपूर्ण वैक्सीन होगी। आपको बता दें कि कल ही इसके इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया गया था और कल ही कमेटी ने इसको मंजूरी दे दी। इससे समझा जा सकता है कि सरकार किस तेजी से इस दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि देखिए देश की तकरीबन 40% आबादी को कम से कम एक डोज वैक्सीन की लग चुकी है। भारत में अभी जो ज़्यादातर वैक्सीन लग रही है कोविशील्ड, कोवैक्सीन और तीसरी स्पुतनिक शुरू हुई है, चौथी मॉडर्ना को अप्रूवल मिला था और पाँचवीं जॉनसन एंड जॉनसन की
जो जेनसन के नाम से आएगी और सितंबर तक उपलब्ध होगी, जिस तरह की जानकारी मिल रही है। तो अब ये 5 वैक्सीन देश में लगने लगेगी। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं विमान साहब कि केंद्र सरकार की तरफ से ये भी जानकारी दी गई थी पिछले सप्ताह कि अगस्त और सितंबर महीने में दोनों जो वैक्सीन पहले से लग रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, इनकी जो वैक्सीन की संख्या है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तकरीबन 20 करोड़ के लगभग डोज उपलब्ध होंगे। तो लगातार सरकार की तरफ से जो पहले से वैक्सीन लग रही हैं उनका प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है और जो नई वैक्सीन मार्केट में आ रही हैं उनको तेजी से अप्रूवल भी दिया जा रहा है। और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन का फायदा ये होगा कि इसकी एक ही डोज चुकी लगनी है, लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या को तेजी से कवर किया जा सकता है। इससे कोरोना महामारी से लड़ने में भारत कहें कि तेजी से आगे बढ़ेगा। अभी देखिए लगभग 40,000 के लगभग औसतन रोजाना केस आ रहे हैं, यहाँ पर स्थिर हैं, लिहाजा तीसरी लहर ना आए, कोरोना संक्रमण को पूरी तरह से खत्म किया जा सके, ऐसे में ये वैक्सीनेशन की ओर से जो टारगेट रखा गया है कि इस साल के अंत तक सभी का वैक्सीनेशन हो जाना चाहिए, दोनों डोज लग जाए सबको। हम देख रहे हैं कि जो मौजूदा वैक्सीन हैं जिनका इस्तेमाल पहले शुरू हो गया था उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है और नई नई वैक्सीन जो कि बाजार में अब उपलब्ध होंगी और लोग जल्द से जल्द ये वैक्सीन लगवा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज भारत में कोरोना से जारी लड़ाई का जिक्र किया, उन्होंने देश में कोरोना वैक्सीनेशन की रफ्तार की तारीफ भी की, साथ ही ये भी याद दिलाया कि कोरोना से लड़ने के लिए मास्क कितना जरूरी है। भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन पर भी पूरा जोर लगाया, यही कारण है कि आज भारत के पास अपनी वैक्सीन है। ये वैक्सीन प्रभावी भी है, सुरक्षित भी है। कल ही भारत ने 50 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने के बहुत अहम पड़ाव को पार किया है। दुनिया में ऐसे अनेक देश हैं जिनकी कुल संख्या से भी अधिक टीके भारत एक सप्ताह में लगा रहा है। ये नए भारत का, आत्मनिर्भर होते भारत का नया सामर्थ्य है। उत्साह के बीच हमें कोरोना को नहीं भूलना है, कोरोना की तीसरी लहर को आने से हमें ही रोकना है और रोकना ही होगा। इसके लिए हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा। मास्क, टीका और 2 गज की दूरी, ये बहुत जरूरी। हमें स्वस्थ भारत का संकल्प लेना है, समृद्ध भारत का संकल्प लेना है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.